बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अनुकंपा पे एक मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, सेंट्रल हो या स्टेट हो, इन्होंने तो बिहार को बर्बाद कर दिया। अब बिहार में इलेक्शन हुआ तो बोलते हैं कि 20 लाख लोगों को वो रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, 20 लाख लोगों को। जब तक कारखाने नहीं लगेंगे, इंडस्ट्री नहीं आएगा, जब तक टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार कैसे वो क्रिएट कर सकती है। बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अनुकंपा पे एक मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, सेंट्रल हो या स्टेट हो, इन्होंने तो बिहार को बर्बाद कर दिया। लोगों को बताना होगा, इसलिए आसाम हम लोग बताने आए हैं। 101% जो है क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। बिहार पिछड़ा राज्य है, वी डिमांडेड फॉर स्पेशल स्टेटस। बीजेपी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम जो है स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे। तो हमारा मकसद है कि जो लोग सत्ता में, जो यहाँ आसाम में भी जो लोग काबिज हैं, उन्होंने क्या किया टी स्टेट के लिए, उनका भी वादा था, उस वादे को भी उन्होंने नहीं पूरा किया। अब ये जो बजट जो आया है, स्पेशल जो बजट जो अभी जो कहा गया, इस बजट में कोई भी खास है ही नहीं, चाहे आसाम के लिए कुछ भी नया नहीं है। इसलिए हम लोग आए हैं कि बीजेपी का जो झूठ, अब बिहार में इलेक्शन हुआ तो बोलते हैं कि 20 लाख लोगों को वो रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, 20 लाख लोगों को। जब तक कारखाने नहीं लगेंगे, इंडस्ट्री नहीं आएगा, जब तक टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार कैसे वो क्रिएट कर सकेंगे। नौकरी तो दूर की बात है, कई ऐसे डॉक्टर्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, पुलिस का जो रेशियो पर 1000 पीपल होना चाहिए उसमें कमी है। तो वो बीजेपी ने जितने वादे किए वो कोई भी नहीं पूरा किया बिहार में। इसलिए असम में हम लोगों का कोशिश है कि जो लोग कम्युनल फोर्सेस हैं, जो देश के लिए, असम के लिए ठीक नहीं है, उन लोगों को किसी भी प्रकार से सत्ता में दोबारा वो आए ना। इसलिए हमारी जितनी ताकत होगी, जो फोर्स होगा, हमारी जो ज़रूरत होगी, उसके लिए हम असम यहाँ आए हैं। और इसके लिए आपको हमने पहले ही कहा कि हम लोग जो है प्रभारी में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, असम इसका गवाह है कि सबसे ज़्यादा अगर CAA को, NRC को लेकर के अगर प्रोटेस्ट अगर सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो वो असम में हुआ। हम जो है मेन मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, देश में मुद्दे की बात होनी चाहिए, गरीबी, पलायन, भूखमरी, इंडस्ट्री, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, जॉब्स क्रिएशन, इन सारी चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, दंगा फसाद, कहीं ना कहीं से टकरार वाली जो बात जो है, जो देश को तोड़ने वाला काम करता है, आज उस पर चर्चा की जा रही है। किसान आंदोलन जो इतनी बड़ी समस्या जो किसानों के लिए है, जो MSP पे उनको चाहिए, पूरे जो 3 कृषि बिल है, जो एग्रीकल्चर जो बिल लाया गया, उसमें कहीं भी MSP का जो है जिक्र नहीं है। किसानों की हालत दयनीय है और हमारा देश ही एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। आज इतनी सरकारी कंपनियां थी, एज एन एग्जाम्पल आप रेलवेज को देख लीजिए, आप
BSNL को देख लीजिए, आप भारत पेट्रोलियम को देख लीजिए, इस तरह की जितने चाहे कोल हो, सेल हो, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, यानी निजी हाथों में दिया जा रहा है। और इन सभी जगहों पर जहां सबसे ज्यादा जॉब मिलता था वहां रिजर्वेशन जो है वो हुआ करता था। अब तो ऑटोमेटिकली जब संस्थाएं नहीं रहेंगी सरकार के अधीन, सरकार के पास, तो ऑटोमेटिकली जो रिजर्वेशन वो खत्म हो गया।